तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा ये कौन सा फरार खा रही हैं आरोही की मम्मी, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। ये तो बहुत नया तरीका दिख रहा है मेरे को दोस्तों, देख सकते हैं आप क्या चटनी बनाई है। हाथ रख के बताओ ये कहाँ है कालू ये। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए ब्लॉग वीडियो में। आशा है कि आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों अभी शाम का वक्त है और हमारे इधर पे बारिश थोड़ा थोड़ा हो रहा है दोस्तों, और बहुत ही 3 दिन हो गया है रेगुलर बरसात हो रही है इधर पे। और हम लोगों ने किसी का कूता लिया था तो अभी डला है, आधा कटा है और आधा नहीं कटा है, पूरा ऐसे ही किसी खेत में बिछा है। और उसको जब धान निकलेगा तो उसको सुखाएंगे, और अभी तो अगर पानी गिरता ही रहेगा तो उग भी सकती है किसी गेहूँ ना, बहुत ही प्रॉब्लम है। और बहुत ही अभी गड़गड़ा भी रहा है मौसम, आपको दिखाते हैं कैसा मौसम है हमारे इधर। आएगा। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों आपके इधर मौसम बना है पानी का कि नहीं बना है। हमारे इधर तो 3 दिन हो गया है पानी नहीं खुल रहा है, हर शाम को हमारे इधर पानी गिरता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके इधर कैसा हो रहा है, और हम बताते हैं हमारे इधर पे पूरा मौसम बना है दोस्तों। अभी चलते हैं बाहर। और दोस्तों ये देख सकते हैं आप पूरा मौसम बना है, कितना पानी का पूरा मौसम बना है, बादल पूरा छाया है, ये देख सकते हैं आप पूरा पानी पानी का मौसम बना है हमारे इधर पे। और पानी थोड़ा थोड़ा टिमक भी रहा है, ये देख सकते हैं आप ऐसा है मौसम कुछ। पूरा बादल नीचे की तरफ झुका है देख सकते हैं आप। और आरोही क्या खा रही हो तुम? और आरोही खा रही है रोटी देख सकते हैं आप, पुंगी बना के। आर्यन नहीं खा रहे हो? हैं हेलो हेलो करो, हेलो करो आर्यन, करो देखो नहीं कर रहा है। और अंदर जाके देखते हैं मम्मी ने क्या बना लिया है। वाह लीप पोती कर दी है, ये देख सकते हैं आप लीप दिया है अभी शाम को, पूरा लीप लिया। और देखते हैं क्या बना है घर पे, देख सकते हैं आप गिलकी की सब्जी बनाई है ना, और हमारी फेवरेट है दोस्तों गिलकी की सब्जी, मतलब रिरुआ की सब्जी, देसी रिरुआ बोलते हैं हमारे इधर पे। और रोटी भी बनाई है, ये देख सकते हैं आप मम्मी ने रोटी बना ली है। और हंसनी नहीं बना रही हो फराहार? बनाएंगे हम फराहार, चक्कू का क्या बनाओगे अभी दिखाते हैं। आज कल तो 10 बजे रात में बनाने लगी थी आरे की मम्मी, और आज क्या बनाएंगी बताएंगी वो अभी। तो दोस्तों शाम का समय हो गया और भूख भी लग गई है, तो हम जल्दी से खाना खा लेते हैं। मम्मी दे रही है खाना हमको, थोड़ा सा दे दो बस बस बस। तो दोस्तों अब भी शाम का खाना खा लीजिए दोस्तों, हम खाने जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी है दोस्तों, और मेरी तो फेवरेट है गिलकी, इसको गिलकी बोलते हैं रिंगा, और मेरी बहुत फेवरेट है दोस्तों, इसलिए हम खा रहे हैं। और बहुत सारी ले ली है और बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट बनी है, देख सकते हैं आप इतना सारा ले लिया हमने, खा लेते हैं अभी दोस्तों। ये हमारे घर में बैठा है कालू, पूरा गांव का है कालू, ये देख सकते हैं आप रोड पे बैठा है, और अभी वो निकल गए हैं, वो है हमारे गांव की सब्जी वाले। ए कालू आएगा देखना, बुला रहा है दोस्तों, आओ आ जाओ। ये आ गया कालू, हमारा कालू आ गया ये। हाँ हाँ आर्यन भी आ गया, आर्यन भी आ गया कालू को खिलाने। हाँ ये बस मुँह नहीं पकड़ा करो, कालू को रोटी दे दो मम्मी। और बहुत ही वफादार है दोस्तों ये हमारा कालू, पूरा गांव में घूमता है और सबके साथ में घूमता है, एक एक घर में नहीं रहता, पूरे घर में रहता है, पूरे गांव के जो भी रोटी दे देता है उसके पास चला जाता है ना कालू। अब जाएगा रोटी खाने के लिए। हाँ ये आ गई रोटी, खा लो कालू, ये देखो खाने लगा है, खा लो खा लो। रात को
कर आपको। खा लो आलू। डर कहाँ रहे? खा लो तुम्हारा वीडियो बना रहे हैं हम। आलू डर रहा कहाँ है अपना? ये है कालू। किधर है? हाथ से बताओ हाथ रख के बताओ। ये कहाँ है कालू? ये कालू है। हाँ ये बहुत अच्छा कालू है हमारा। चला बाय बाय कालू, भाग जाओ बाय बाय। खड़ा हो गया। तो दोस्तों लाइट चली गई है हमारे घर में और देख सकते हैं आप आरुक मम्मी का फराहार बनने के लिए रेडी हो चुका है। फिर से बना रही हैं। और आज कैसा बना रही हैं? आज फुला के नहीं बना रही क्या? चटनी अकेले बना। आज चटनी बस? क्या चटनी? ये कढ़ाई चढ़ा ली चटनी बस। आलू के साथ में बनाएंगी टमाटर मिर्ची बस और कुछ नहीं। इतने में फर जाएंगी है ना। व्रत है थोड़ा सा खाती हैं, ज़्यादा नहीं खाती हैं ना। कितना धुआं आ रहा है और पानी टिमटिमाने लगा है हमारे इधर पे। टिमटिम बारिश होने लगी है। पूरा पट 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 आवाज आ रही है। पापा तो मोबाइल दुखाई में लगे रहते हैं देख सकते हैं आप। और देख सकते हैं आप कितना स्टाइल से बैठे पापा। ये झूला है, नकली झूला है। ये रस्सी है, ये देख सकते हैं आप। ये रस्सी है, साड़ी की रस्सी बनी हुई है। और देहाती स्टाइल में बना रही हैं आरोही की मम्मी, देख सकते हैं आप दोस्तों। तो आरोही की मम्मी ने चटनी बना ली है और उसको बघार के भी रेडी कर ली है ना। और इधर पे आलू नीच रही हैं और आलू के साथ में चटनी खाएंगी व्रत में ना। तो दोस्तों देख सकते हैं आप आज आरोही की मम्मी का फराहार बन गया है। ये तो बहुत नया तरीका दिख रहा है मेरे को दोस्तों, देख सकते हैं आप। क्या चटनी बनाई है मस्त। और ये देख सकते हैं आप आलू उबाल के और ये ही खाने वाली हैं आरोही की मम्मी ना। मजा आएगा खाने में। दूध भी डालोगी इसमें? इसमें दूध भी डालोगी? इसमें अलग से कैसे? अलग से ये आलू दूध में वो करूंगी। और जी ये चटनी अलग से खाऊंगी। ये मेरे को तरीका समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, कैसे खाएंगे क्या करेंगे। पहली बार देख रहे हैं हम तो ऐसा खाते हुए। पहली बार ही बना है और फराहार ना। हाँ। स्पेशली फराहार, नया तरीका स्पेशली फराहार का। आप भी दोस्तों देख सकते हैं आप भी बना सकते हैं ऐसा फराहार। ये टमाटर और मिर्ची का फराहार बना है, चटनी बनाया है इसका। और ये आलू देख सकते हैं आप, आलू उबाल के। और ये आ गया दूध, इस दूध में खाएंगे आरोही की मम्मी और फराहार पूरा हो जाएगा ना। तो आप भी ऐसे ही बना सकते हैं दोस्तों। और कुछ खास नहीं लगा है, आलू उबाल लिया है और टमाटर और प्याज और थोड़ा सौंधा नमक और हरी धनिया ना। नहीं, हरा धनिया भी डाल सकते हैं। हाँ, और बन गया है चटनी और इनका बन गया फराहार थोड़ी लागत में। चलो तो ठीक है, तो अब खाएंगे आरोही की मम्मी ना। ऊपर से डाल रही चटनी, ऊपर से चटनी डाल रही हूँ। इसमें रख दिया आलू और इसमें दूध डालेंगे ना। हाँ। इसमें दूध डालेंगे और शक्कर भी डालेंगे। नहीं ऐसा ही? हाँ। ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या प्रकार का खा रही हैं क्या। ये तो ऐसे ही बना के कुछ भी खा रही हैं। कैसा फराहार? कुछ डालेंगे नहीं तो कैसा लगेगा? बगैर शक्कर के अच्छा नहीं लगेगा वैसे। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा ये कौन सा फराहार खा रही हैं आरोही की मम्मी, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है ना। पहली बार में ही बनाई चुमन कुंडुम फराहार बनाया ना।
आलू दूध फराहर। सो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।